हेलो फ्रेंड्स, मैं अमोल पाटिल, अमोल फाइन आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 20 सालों से मैं स्कूल स्टूडेंट्स हो या एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, उनको कोचिंग कर रहा हूँ। बहुत ही सालों से मैं देख रहा हूँ बच्चों को मेमोरी ड्राइंग, ये सब्जेक्ट ड्रॉ करने में, कलरिंग करने में बहुत ही परेशानियां होती है। उनको एक डर सा होता है ये सब्जेक्ट के बारे में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब्जेक्ट हम लोग बहुत आसानी से किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, उनको स्टार्टिंग किस तरह से करना है ड्राइंग की, बैकग्राउंड किस तरह से होना चाहिए, कलर कौन से यूज करना चाहिए, कलर की शेडिंग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, ये सब मैं ये वीडियो में दिखा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखे, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बाजू का बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इस प्रकार ह्यूमन पार्ट्स की प्रैक्टिस करें और शुरू में इस तरह से फर्स्ट स्टेप ड्रॉ करें। हमारा टॉपिक है चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल। टॉपिक को रिलेटेड 4 या 5 ह्यूमन फिगर का ड्रॉ करें। शुरू में बहुत ही लाइट ऐसा ड्राइंग हमें करना है। मेमोरी ड्राइंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ग्रुप मेंटेन करना। जो सब्जेक्ट है उसको रिलेटेड फिगर्स होना चाहिए, साथ साथ सब्जेक्ट को रिलेटेड ह्यूमन फिगर के एक्शंस भी होना बहुत ज़रूरी है। उनके एक्शंस, एक्सप्रेशन सब दिखाना हमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से फुटबॉल की ओर 3 से 4 लड़के दौड़ने वाले हम लोगों ने एक्शन के साथ ड्रॉ किया। मेमोरी ड्राइंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट को रिलेटेड बैकग्राउंड। उस प्रकार हम लोगों ने स्कूल, स्कूल की बस, स्कूल की बिल्डिंग, कंपाउंड, ट्रीज ऐसा ड्राइंग किया और कलरिंग स्टार्ट किया। मेमोरी ड्राइंग में कलरिंग अच्छा होने के लिए पहले स्काई और बैकग्राउंड को हम लोग कलर कर लेते हैं। स्काई को पीकॉक ब्लू प्लस व्हाइट और ग्राउंड को लेमन येलो प्लस लाइट ग्रीन कलर हम लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं। इस प्रकार से हमें स्कूल को लाइट पिंक कलर करना है। तो स्कूल के कंपाउंड में जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल बस अभी हम कलर कर रहे हैं, उनको येलोइश ऑरेंज कलर हम कर रहे हैं अभी। रोड को हमें ग्रे कलर करना है तो स्कूल का कंपाउंड को पिंक कलर करना है। आप लोग यही सेम कलर करें ऐसा ज़रूरी नहीं, आप अपने सोच से कलर बदली कर सकते हो। अभी हम लोग ट्री का स्टेम कलर करने जा रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने ब्राउन कलर यूज़ किया। अभी ट्रीज को शेडिंग कैसे करते हैं ये आप यहाँ देखिए, कलर का शेडिंग किस तरह से किया जाता है। लाइट ग्रीन कलर किया, उसके नीचे ही हम लोगों ने डार्क ग्रीन कलर किया। ये 2 स्टेप अभी यहाँ पे कलर के आपको दिखाई देंगे, इसको ही हम लोग शेडिंग कहते हैं। लाइट ग्रीन, उसके नीचे डार्क ग्रीन, अभी ये और डार्क ग्रीन कलर किया, डार्क ग्रीन प्लस पर्शियन ब्लू, ये कलर मिक्स करके हम लोग और डार्क शेड वहाँ दिखा रहे। इसी प्रकार डार्क कलर करके हम शेड कर रहे हैं। अभी स्काई को लाइट ब्लू के ऊपर हम लोगों ने हल्का सा डार्क ब्लू कलर लिया और उसके टचअप कर रहे ताकि एक क्लाउड का इफेक्ट आपको दिखाई दे। इसी प्रकार डिटेलिंग आप करिए ताकि आपका मेमोरी ड्राइंग अच्छा हो। अभी हम लोग चिल्ड्रेन के ऊपर कलरिंग स्टार्ट किया है, मतलब ह्यूमन फिगर के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइट स्किन कलर तैयार किया और एक प्लेन स्किन कलर हम लोग सभी चारों फिगर में हम लोग करेंगे। एक प्लेन स्किन कलर अप्लाई किया हम लोगों ने, देखिए तीनों फिगर में। बैक का जो फिगर है उसे हम लोगों ने इससे लाइट कलर दिया ताकि वो हमें बैक में दिखाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है इसलिए। अभी डार्क स्किन कलर का टोन किया और एक साइड से सभी ह्यूमन फिगर में हम लोगों दे रहे ताकि शेडो वहाँ पे आपको दिखाई दे, इसे ही हम लोग शेडिंग कहते हैं। अभी उनके स्कूल का यूनिफॉर्म सबका एक ही होगा इसलिए उनको हम लोग कलर करने जा रहे हैं। व्हाइट शर्ट हमें उनका दिखाना है इसलिए बिल्कुल लाइट कलर करके जहां फोल्ड होते हैं वहां ही हम लोग वो टचअप कर रहे हैं। अभी ये चिल्ड्रेन के जो पैंट के कलर है ब्लू कलर हम लोगों ने लिया है, सभी को एक टोन प्लेन टोन हम लोगों ने पहले फील किया, अब उसके ऊपर डार्क ब्लू का कलर हम लोग कर रहे हैं
डार्क ब्लू कलर हम लोग उसके ऊपर दे रहे हैं, ताकि अभी देखिए वहां डायमेंशन क्लियर हुए और शेडिंग हुआ। मेमोरी ड्राइंग में ह्यूमन फिगर के बालों को ब्लैक कलर कभी भी मत कीजिए, ब्राउन प्लस पर्शियन ब्लू कलर करें। अभी प्लेन ग्राउंड को किया था हम लोगों ने कलर, उसके ऊपर हल्का सा डार्क ग्रीन कलर लेके हम लोगों ने शेडिंग किया है, ताकि आपके ड्राइंग में डेप्थ क्लियर हो। सबसे लंबा बिल्डिंग दिखाना है हमें अभी इसमें, इसलिए बहुत ही लाइट कलर से स्काई को मैच होने वाले कलर से ही हम लोगों ने बिल्डिंग दिखाई है, ताकि बहुत ही दूर वो बिल्डिंग है ऐसा हमें लगेगा। आउटलाइन करते वक्त भी आप लोग जो बैकग्राउंड है उसे बारीक बॉल पेन से आउटलाइन करें, और जो मेन फिगर है उसे स्केच पेन से या बोल्ड आउटलाइन करें, ताकि उसमें आप लोगों को आपका जो मेन ड्राइंग है जैसे कि चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, वो ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट आप कर सकते हो। उसे बोल्ड आउटलाइन से वो एकदम डिटेल होगा। इस प्रकार से मेमोरी ड्राइंग में एक्शंस होना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो सभी चिल्ड्रेन का एक्शंस देखिए आप, उनका ध्यान सबका मेन सब्जेक्ट बॉल के ऊपर है। इस प्रकार पोस्टर कलर में हम लोगों ने मेमोरी ड्राइंग कलरिंग कंप्लीट किया।